जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे, कसम से कसम से कसम से। फरामोश, मैं नहीं जानता था कि सांप मेरे घर में पड़ रहा है। तुमको पहले से पता था ना कि पीयू पुष्कर के साथ तुम लोगों ने जो किया मैं देख चुका हूँ। अब तुम्हें देखना है कि मैं क्या करता हूँ। इससे पहले कि मिस्टर वालिया का गुस्सा तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दे, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जब से ये लड़की पुष्कर की जिंदगी में आई, हम सबका जीना दुश्वार हो गया। ये तो सिर्फ शुरुआत, ना कहीं भी किया जाए मैं उस जगह को तबाह कर दूंगा। रानू बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है? वो भी भाग गई? बानी भी भाग गई पिया के साथ, तुम्हें यूं अकेला छोड़कर? लेकिन रानू, तुम तो अकेले रह ही नहीं सकती। बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। तुम्हारा भी यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, चलो जल्दी करो। इसे तो जय अंकल इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाले। पर ये जाएगी कहाँ इतने बड़े शहर में? क्या होगा इसका? रणवीर, मत डराओ बच्ची को। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, मैं हूं ना। अरे, मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं जो ऐसे ही अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए एनजीओ चलाती हैं। मैं खुद बात करूंगी उनसे तुम्हारे लिए। उस अनाथालय में तुम्हें बिल्कुल घर जैसा लगेगा। अब क्या करें, आदत हो गई ना इसे बड़े घर में रहने की, अय्याशी की। दो दिन में आदत भी छूट जाएगी और उस अनाथालय में तुम्हें तुम्हारे माउंट आबू के घर जैसी गरीबी का माहौल मिलेगा, अच्छा लगेगा तुम्हें। इसलिए कह रही हूँ रानो, जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि जय भाई आ जाएंगे ना तो सामान पैक करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। क्या हो रहा है यार? जय भैया राणो को अपना सामान पैक करने के लिए कह रहे हैं। तीनों बहनों की वजह से आज पार्टी में जो ऑफर बीती है, उसके बाद इस लड़की को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए जाने के लिए कह रहे हैं। राणो कहीं नहीं जाएगी। इस घर के रूल्स मेरे अलावा और कोई नहीं डिसाइड करेगा। राणो नहीं रहेगी। अगर तुम जाना चाहोगी ना तो भी मैं नहीं जाने दूंगा। अब वही होगा जब मैं चाहूंगा। So make yourself comfortable. रो मत पिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुमने गलत फैसले को सही में बदलकर बिल्कुल ठीक किया है। पिया, कुछ वक्त के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पूरी दुनिया में मिस्टर वालिया के खिलाफ हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है दी। एक बार फिर हमें आज वक्त ने अकेला और बेबस कर दिया है दी। के नीचे आज हम उसी तरह अकेले हैं जब हम इस शहर में पहली बार आए थे। इस बड़े से शहर में कोई नहीं है हमारा। या, हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। एक इंसान है जो मिस्टर वालिया के खिलाफ जाकर भी हमारी मदद कर सकता है। चलो मेरे साथ। पुष्कर अपनी फैमिली के साथ अपने भाभी के घर चला गया और हमें यहां आना पड़ा आपके पास। हम यहां आए हैं ये मैंने पुष्कर को बता दिया है। मैं शूट के लिए एक हफ्ता स्विट्जरलैंड गई और यहां इतना कुछ हो गया। याद है पिया, मैंने तुमसे कहा था कि जय एक जिद्दी बच्चे की तरह उसे संभालना बिल्कुल आसान है। खैर, अब जो हो गया उसे रोकना शायद किसी के बस में नहीं था। पिया, अगर तुम्हारा और पुष्कर का प्यार सच्चा है तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ बानी, मैं जानती हूं जय मेरा दोस्त है और मैंने जय से बहुत प्यार किया है, लेकिन अगर वो प्यार के खिलाफ जाएगा तो मैं उसका साथ नहीं दूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इसे अपना घर समझो और तुम्हें मुझसे जो भी मदद चाहिए होगी मैं करूंगी।
के वक्त कोई मुझे डिस्टर्ब करे मुझे पसंद है। शानू अपने आपका घर छोड़कर जा रहे इस आजादी का हिसाब कौन करेगा? जाने से पहले मेरे पास एक तोहफा है तुम लोगों के लिए, स्पेशल गिफ्ट फॉर माय डार्लिंग वाइफ एंड माय डियर सिस्टर इन लॉ। तुम लोगों को पता होगा कि जब तुम्हारे पिता जिंदा थे उन्होंने मोहन खंडेलवाल से काफी कर्ज लिया, इसलिए तुम लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। आप शायद जानती नहीं, आपके पिता मिस्टर खंडेलवाल से कई सालों से कर्ज लेते रहे हैं और आज वो रकम इतनी बड़ी हो गई है कि मोहन ने तुम्हारे पिता को पूरे 2 करोड़ का कर्ज दिया। तुम्हारा घर बेचने के बाद भी 80 लाख का कर्ज बाकी है जो तुम्हें मोहन को चुका था। तुम्हारे कर्ज के पेपर्स की पूरी फाइल मेरे पास है, क्योंकि जब मैंने तुम्हारा घर खरीदा मैंने ये कर्ज अपने सर पर लिया। अपनी आजादी की कीमत समझ में आ रही है? तुम लोगों को मेरे 80 लाख रुपए वापस करने। तुम लोग जाना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाओ जरूर जाओ, लेकिन मेरे 80 लाख देने के बाद या तो तुम मेरे पैसे दोगे या फिर कहीं भी जाने से पहले तुम लोगों को जेल जाना होगा, क्योंकि जिस दिन तुम ये घर छोड़ के जाओगे मैं तुम्हारे खिलाफ 80 लाख का क्लेम कर दूंगा और तुम तीनों की दुनिया खत्म हो जाएगी। दिन आपने हमें अपने घर में रहने की जगह दी थी मिस्टर वाली, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस जयबाजन हमने एक अच्छा इंसान देखा था, जिन्होंने हमारी इज्जत की थी, हमें सहारा दिया था, वो जयबाजन आप नहीं हो सकते। अगर मैं बदल गया हूं तो इसमें तुम्हारा और पिया का हाथ है। मैंने पिया से कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी ना मुझसे शादी करने के लिए, उसने खुद हाँ कहा था। जब मैंने उसे पूछा था कि क्या उसकी जिंदगी में कोई और है तो उसने मेरी आंखों में देख के मुझसे झूठ बोला था। और तुम कह रही मैं बदल गया? तुम लोगों ने मुझे बदला है और अब मेरा ये नया रूप तुम्हें भुगतना होगा। मिस्टर वालिया ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं? बहुत साल पहले मैंने एक रस्ते के लड़के को अपने घर में जगह दी थी, फिर उसके बाद मैंने तुम तीनों को भी रस्ते से उठाकर अपने घर में जगह दी। अब मुझे एक बात का एहसास हो गया, रस्ते की चीजों को रस्ते में ही छोड़ देना चाहिए। पार्टी के बाहर अगर मैं चाहता था मैं पिया को थप्पड़ मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जानती हो क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान होता। जब मैं पिया को थप्पड़ मारूंगा ना तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। उस थप्पड़ की गूंज पिया को जिंदगी भर याद रहेगी। तुम तीनों को और पुष्कर को मैं उसी रास्ते पर लाऊंगा जहां से मैंने तुम्हें उठाया था। और निकल जाओ यहां से। जय वाले ने लोगों पर तरस करना छोड़ दिया है।
पुष्कर, तुम यहाँ इतनी सुबह? प्रिया, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तैयार हो जाओ, हमें अभी जाना है। जाना है? कहाँ जाना है पुष्कर? प्रिया, हम शादी कर रहे हैं आज ही। शादी? लेकिन पुष्कर, तुम्हारी फैमिली, तुमने अपने घर वालों से बात कर ली है? प्रिया, शादी हो जाएगी तो सब मान जाएंगे। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। पुष्कर दी, प्रिया अभी किसी को इन्फॉर्म करने का वक्त नहीं है। शादी के बाद हम सबको इन्फॉर्म कर देंगे और भानी इस फैसले में हमारा साथ देगी। तुम तैयार हो जाओ, हमें निकलना है जल्दी। पुष्कर, इस वक्त सोनाली जी भी घर पर नहीं है। ठीक है, मैं उनके लिए लेटर लिख देती हूँ। तुम यहीं वेट करो, मैं अभी आई। तुम यहाँ आ गई, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। क्या बात है सोनाली, पिया ठीक है ना? वो पानी, पिया और पुष्कर दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस गए। क्या? हाँ, मैं बाहर गई थी, जब वापस लौटी तो ये लेटर मिला। लेकिन सोनाली, पिया ने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे अभी कोर्ट जाना होगा। शादी करने वाले थे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।